गुड मॉर्निंग बेटा, लेट्स कंटिन्यू विद द रिवीजन। टुडे वी विल डिस्कस टू थ्री क्वेश्चंस ऑफ कोऑर्डिनेट, देन वी विल कंटिन्यू विद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये क्वेश्चन देखो, एक ए पुलिसमैन एंड अ थीफ आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ ज्वेल बॉक्स। पुलिस और थीफ जो है दोनों ज्वेलरी बॉक्स से इक्वल डिस्टेंस पर है। अपॉन कंसिडरिंग ज्वेल बॉक्स एज ओरिजन, ये ज्वेलरी बॉक्स यहां पर है ओरिजन पे, द पोजिशन ऑफ द पुलिस मैन इज 0.5। द पोजिशन ऑफ द पुलिस मैन इज 0.5। 0.5 कहां आएगा? 0.5 एक्स 0 वाई 5। एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, कहां आएगा? वाई एक्सिस पे 0.5। ये पोजिशन ऑफ पुलिस मैन है। कहता है जो ज्वेलरी बॉक्स है ना, ये ज्वेलरी बॉक्स का पुलिस से डिस्टेंस और थीफ से जो डिस्टेंस है वो सेम है। अब थीफ की पोजीशन कहाँ आएगी, उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। कहाँ कहाँ आ सकता है? एक मिनट, आगे क्वेश्चन है। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन ऑफ द थीफ इज 0, ऑर्डिनेट इज 0। कहता है जो थीफ की पोजीशन है उसका ऑर्डिनेट 0 है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0 है। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब इट विल लाई ऑन x एक्सिस, या तो यहां आएगा या यहां आएगा। ये 5 के डिस्टेंस पे है, तो ये भी 5 के डिस्टेंस पे होगा और ये भी 5 पे। तो इसकी ये पॉइंट क्या होगा, 5.0 या अगर आपको ये ना दिया होता ना कि ऑर्डिनेट 0 है, तो वो पॉइंट यहां पर भी हो सकता था। तो थीफ की पोजीशन ये और ये तीनों ही हो सकती थी। दोबारा से सुनो, कहता है जो ज्वेलरी बॉक्स है उसकी पोजीशन ओरिजिन है, दैट इज 0.0। ये ज्वेलरी बॉक्स की पोजीशन है। पुलिस की पोजीशन 0.5 है, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये नहीं दिया हुआ कि 0.5 है, वो कहते हैं पुलिस की जो पोजीशन है वो इस पॉइंट, ये पॉइंट दिया हुआ है, अभी दिया हुआ है। अगर सपोज ये कहा होता कि एफसीसा 0 है, तो पुलिस की पोजीशन ये भी हो सकती थी और ये भी हो सकती थी। सिर्फ ये दिया है कि 0.5 पे लाई कर रहा है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में लाई कर रहा है। अब कहते हैं जो थीफ की पोजीशन है ना, उसमें ऑर्डिनेट 0 है। ऑर्डिनेट का मतलब हो गया वाई कोऑर्डिनेट 0 है। वाई कोऑर्डिनेट मतलब एक्स, एक्स एक्सिस के ऊपर आ गया, तो ये होगी दोनों थीफ की पोजीशन, क्योंकि ये डिस्टेंस 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो थीफ की पोजीशन ये दोनों हो सकती है। अगर यहाँ पे ये ना कहा होता आपको कि उसका ऑर्डिनेट 0 है, तो थीफ की पोजीशन यहाँ पर भी हो सकती थी 0.-5, ठीक है। मतलब कोई पर्टिकुलर नहीं था ना कि ऑर्डिनेट 0 है, तो इसका मतलब थीफ की पोजीशन 5 सेंटीमीटर लेफ्ट राइट या डाउनवर्ड डायरेक्शन कहीं पर भी हो सकती थी। क्लियर है? अभी के लिए पर्टिकुलर दिया हुआ है, इसलिए ये दोनों पोजीशन ऑफ थीफ आएंगी। नेक्स्ट देखो, पी 3.2 एक पॉइंट है, पी 3.2 एक पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है क्यू 7.7। These are the two points. Perpendiculars are drawn to x-axis. Perpendiculars are drawn to x-axis from P and Q. ये जो P और Q point है, इससे perpendicular draw करना है। Plot करो ये points पहले दोनों। ये दोनों points plot करो। दोनों positive हैं। कहाँ आएंगे? First quadrant में। 1, 2, 3। 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 3.2 एक्स 3 वाई 2, ये हो गया पोजीशन ऑफ पी। 7.7 ये होगी पोजीशन ऑफ, ये होगी पोजीशन ऑफ क्यू, ठीक है। ये ठीक है, ये 3.2, ये 7.7, ये प्लॉट कर दिए। अब कहते हैं पी से परपेंडिकुलर बनाओ एक्स एक्सिस पे, क्यू से परपेंडिकुलर बनाओ एक्स एक्सिस पे। कहते हैं इसका कोऑर्डिनेट बताओ, ये कौन सा है, ये क्या है? 1, 2, 3, 3.0। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? y 3.0 ऑन x एक्सिस, y कोऑर्डिनेट इज 0। तो ये पॉइंट है, इसका नाम l है, इसका नेम m है, क्वेश्चन में गिवन है। लेट लेट एंटर करते हैं ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होगा? 7.0। एक तो ये कोऑर्डिनेट निकालने हैं एल एम के।
अब आपसे पूछ रहे हैं इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, लेंथ ऑफ एल एम कितनी है, कितनी है जल्दी बोलो। फोर यूनिट्स, 1, 2, 3, 4 लेंथ ऑफ एल एम कितनी है, 4 यूनिट्स। क्लियर है? ठीक है, ये देखो 0, 5, 0, -5 ये पी पॉइंट है। ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, अभी के लिए ओनली फॉर दिस पीरियड, 3, 3 उस सेक्शन के 3 है। हाँ जी, सिक्स है मैम। ये जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ऐसा क्वेश्चन किया था कल भी, याद है? ये स्टैंड हटाओ, आप नीचे करो। हाँ, ये लेंथ कितनी है, 10, 5 और 5 टोटल होगी 10। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बाकी साइड्स भी क्या होंगी, 10, 10 ये भी 10। P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। हाँ जी, अगर ये पूरी 10 है, ये 5 है, आपको पता है दोनों एक्सिस, इसका नाम क्या है, x o x x डैश o x y o y डैश, ये जो एक्सिस है ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। सो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल के सामने वाली साइड ये बेस फाइंड करना है। बेस फाइंड करो, जल्दी बताओ क्या है। एक्चुअली पूरा नहीं ले सकते ना, पूरा लेने का बेनिफिट नहीं है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बता सकते हो क्या आएगा? राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ इनटू बेस कितना लेंगे, 10। हाइट नहीं पता, वही तो फाइंड करनी है। ये हाइट ऑफ ट्रायंगल है, ये हाइट ऑफ ट्रायंगल है, यही तो फाइंड करना है। चलो फाइंड करो। नहीं, 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, करो जल्दी बोलो आंसर। फाइव रूट थ्री, रूट 75 आ रहा है, 5 root 3 आएगा। 100 - 25 = 75, रूट 75 आ रहा है, That is 5 root 3। अब ये 5 root 3 है, this point P is on x-axis, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो P के कोऑर्डिनेट आ गए 5 root 3, 0। क्लियर? क्लियर, ये आ गया पॉइंट आपका। अब सुनो इधर, ये तो पॉइंट फाइंड कर लिया, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो तो हाफ इंटू बेस 10, हाइट। ठीक है, एक और तरीका भी तो है, हाफ इंटू इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, उसका डबल कर दो। बात समझ आई? जसलीन जवाब दिया करो, समझ आई कि नहीं? या तो पूरे का निकाल लो, उसमें ये बेस है और ये हाइट है, ऐसे नहीं करना, तो छोटे वाले का फाइंड करके डबल कर लो। क्लियर? हैं? बड़े वाले में बेस 10 आएगा, हाइट 5 root 3 आएगी। नहीं, क्यों? हीरोन्स फॉर्मूला भी लग सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो। क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, √3/4 साइड स्क्वायर। साइड कितनी है, 10, √3/4 इंटू 10 स्क्वायर, मतलब 100, 25 root 3 आ गया। ठीक है, और वैसे निकालोगे तब भी यही आएगा। क्लियर? कोऑर्डिनेट निकालना है तो यही मेथड है जो किया है पाइथागोरस थ्योरम, उसके बिना कोई और मेथड नहीं है। नेक्स्ट देखो जल्दी,
ए बी सी ओ डी. ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 8 एंड ब्रेथ इज 4. लेंथ इज 8 एंड ब्रेथ इज 4. कोऑर्डिनेट्स बोलो इन चारों पॉइंट्स के. जल्दी दिमाग लगाओ, जल्दी बोलो क्या आएगा. हाँ जी, फोर इधर फोर इधर. तो ये फोर है तो ये भी क्या होगा, फोर. ठीक है, तो ये फोर हो गया तो ये पॉइंट क्या आएगा, फोर कॉमा इधर वाला, ये वाला, ये भी फोर है, ये भी फोर, मतलब ये डिस्टेंस भी फोर है, मतलब ये एक्स फोर वाई भी फोर, फोर कॉमा फोर इधर वाला माइनस फोर कॉमा. क्लियर है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा, लेंथ कितनी है 8, ब्रेथ कितनी है 4, 8 4 जा 32, ये भी आ सकता है. हो गया, पेरीमीटर पूछा नहीं, एरिया पूछा है. एरिया 32 आ रहा है, पेरीमीटर 24 आएगा, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. पेरीमीटर पूछे तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ गिवन है 24 आ जाएगा. एरिया के लिए 4 8 जा 32 आ गया. स्क्वायर यूनिट याद रखना, ठीक है. आज मैं ना आपको एजर्शन वाले क्वेश्चन 2-3 फ्रेम करके सेंड करूंगी, देख लेना कैसी टाइप के हैं, ठीक है. इस चैप्टर के रिलेटेड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लीनियर इक्वेशन के 2-3 क्वेश्चन फ्रेम करके आपको सेंड करूंगी, आप रीड कर लेना, क्लियर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ईजी होएगा, ठीक है. मैं 1-2 क्वेश्चन डिस्कस भी कर दूंगी क्लास में, लेकिन मैं पहले फ्रेम कर लूँ, ठीक है. मैं फ्रेम कर लूंगी उसके बाद मैं सेंड करूंगी ग्रुप में, आप रीड कर लेना, फिर हम डिस्कस भी कर लेंगे एक बार. कुछ पूछना है इसमें किसी ने कुछ? कल मैंने आपको रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चन बता दिए थे, ठीक है ना. लिखो एक क्वेश्चन, प्लॉट 2, -3 ऑन द ग्राफ. प्लॉट 2, -3 ऑन द ग्राफ. Draw PM and PN. Draw plot 2, -3 on the graph. Draw PM and PN perpendiculars to x-axis and y-axis. Means PM is a perpendicular on x-axis, PN is a perpendicular on y-axis. Then write coordinates of P, sorry, M and N. देखो x एक्सिस पे M कहां मीट कर रहा है, y एक्सिस पे N कहां मीट कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ जल्दी, रफ ड्रॉ करो फटाफट. कोऑर्डिनेट्स बताने हैं,
ये बनाया एक्स टू वाई माइनस थ्री, यहां आ गया, यहां आ गया पॉइंट, ठीक है, ये आ गया पॉइंट, इसका नेम पी है। इससे एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर बताना है और एक वाई एक्सिस पे बनाना है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, टू कॉमा जीरो, ये एम हो गया, और एन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जीरो कॉमा माइनस, बस ठीक है। चलो नेक्स्ट, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यस, फर्स्टली लिसन टू मी, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। This equation is known as AX plus BY plus C equal to 0 is known as standard form of the linear equation, or you can say general form of the linear equation. कोई भी equation अगर इस type की है तो वो linear equation in two variable है, ठीक है। उसमें condition क्या है, A, B और C, ये X का coefficient है, ये Y का coefficient है, ये constant है, and this A, B, C should be real number. रियल मीन्स इट कैन बी इन डेसिमल, इट कैन बी इन फ्रैक्शन, इट कैन बी इन रूट, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल, रूट में, अपॉन में, नेगेटिव पावर में, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक्स और वाई शुड बी पॉजिटिव, शुड बी इन द न्यूमिनेटर एंड शुड हैव पॉजिटिव पावर, ठीक है। एक्स और वाई सेम होना चाहिए, लेकिन एबीसी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एंड विद द स्पेशल कंडीशन That A and B should not be zero. क्योंकि अगर A zero हो गया तो ये क्या हो जाएगा, zero. And it will no more be a linear equation in two variable. अगर X हट गया तो ये two variable थोड़ी है, किसमें होगी, one variable में। तो इसलिए special condition है, A और B should not be zero. अगर आपसे कोई definition पूछ ले, पूरी statement लिखी हो, तो सारी condition होनी चाहिए उसमें, equation इस form की होनी चाहिए, A B C real number होने चाहिए, X और Y टू वेरिएबल्स होने चाहिए, A और B जीरो नहीं होना चाहिए, क्लियर। अगर एक भी कंडीशन मिसिंग है तो एक डेफिनेशन रॉन्ग है। अगर पूरी डेफिनेशन लिखी आ गई ट्रू या फॉल्स, एक भी कंडीशन मिसिंग है तो स्टेटमेंट फॉल्स होगी, ट्रू नहीं होगी, ठीक है। अगर सपोज ये दिया है और ये नहीं दिया तो स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है, याद रखना। Now express 5x is equal to minus 8y in the standard form. Standard form का मतलब कौन सी है standard form? AX plus BY plus C equal to 0. Now the equation is 5x is equal to minus 8y. 5x ये हो गया AX, इसको यहां shift करो AY, constant is missing. ये हो गई AX, BY प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, ठीक है। चलो आप इसको चेंज करो, एक्स इज इक्वल टू टू को बनाओ स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये वन वेरिएबल में है कि टू वेरिएबल में है, इसको टू में चेंज करो। ऐसे भी आ सकता है एक्सप्रेस इन टू वेरिएबल, एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सप्रेस इन द जनरल फॉर्म, एक ही बात है। इक्वेशन बोलो, एक्स प्लस जीरो वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, ए इज वन, बी जीरो, सी इज माइनस टू। हाँ जी, ये चेक करो, इज दिस अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और नॉट। Solve this and check, is it in standard form or not? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स
माइनस एक्स स्क्वायर यस एक्सप्रेस दिस इन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो फॉर्म. Answer is zero x आप इसको भी यहां ला सकते हो. ऐसे वो दोनों ही करेक्ट हैं. मैं इसको वहां ले गई थी, आप इसको यहाँ ले आए. बात तो एक ही है, जैसे मर्जी करो. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, जैसे मर्जी करो. क्लियर? अब देखो इधर एक क्वेश्चन है. मैम मैं ये पूछना था, आपने बोला कि अगर ए की वैल्यू जीरो हो तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होता. जो ये आंसर आपने लिखा है ये भी तो वही है. मेरी बात तो सुनो, नहीं होता का मतलब ये है कि आप उसे बना सकते हो, बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए और बी जो वेरिएबल्स हैं, मतलब कि एक्स और वाई वेरिएबल के कोफिशिएंट है, वो जीरो नहीं होना चाहिए. वैसे तो हम ये कहते हैं ना रियल नंबर, लेकिन जो कंडीशन ये कहती है कि वो ए की वैल्यू जीरो पुट करने पर टू वेरिएबल वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है, और आप वन को टू में कन्वर्ट कर ही लेते हो, वो तो आपको आता ही है. लेकिन कंडीशन ये कहती है कि क्वेश्चन में ए और बी जीरो नहीं होने चाहिए. देखो इधर. ओके मैम. हाँ जी, अब देखो. थैंक यू मैम. ए रैबिट कवर्स वाई किलोमीटर डिस्टेंस. सुन लो ध्यान से. आपको याद है बुक में टैक्सी फेयर वाला क्वेश्चन है? याद है? पढ़ा तो होगा नहीं वैसे, लेकिन जिन्होंने पढ़ा होगा उनको ही पता होगा. टोटल वाई किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, फर्स्ट किलोमीटर के 8 रुपीज लगते हैं और रिमेनिंग किलोमीटर के जो एक्स किलोमीटर ये वाई रुपीज उसकी कॉस्ट है. एक्स टोटल डिस्टेंस है जिसमें पहले 1 किलोमीटर के 8 रुपीज लगते हैं, जो एक्स किलोमीटर में से 1 किलोमीटर के 8 रुपीज लगते हैं. तो रिमेनिंग कितना हो गया? एक्स माइनस 1 किलोमीटर, उसके 5 रुपीज लगते हैं. तो 1 किलोमीटर के 8 रुपीज, एक्स माइनस 1 किलोमीटर के 5 रुपीज, टोटल मिला के बन गए वाई रुपीज. ये आपका टैक्सी फेयर वाला आपकी बुक का क्वेश्चन है, जिसमें टोटल रुपीज जो कॉस्ट है जर्नी की वो वाई रुपीज है, टोटल डिस्टेंस जो है वो एक्स किलोमीटर है, एक्स में से पहले 1 किलोमीटर के 8 रुपीज लगते हैं, जो रिमेनिंग एक्स माइनस 1 किलोमीटर है उसके 5 रुपीज है. तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 किलोमीटर की कॉस्ट आ जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो रिमेनिंग डिस्टेंस कवर की कॉस्ट आ जाएगी. टोटल कॉस्ट मिला के आपने टैक्सी वाले को वाई रुपीज पे किया. सेम क्वेश्चन है, आपको कहते हैं एक रैबिट है जो टोटल वाई किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है. इसमें से पहला 10 किलोमीटर वो बड़ी स्लो स्पीड से कवर कर रहा है, स्लो स्लो चलते जा रहा है. 10 किलोमीटर डिस्टेंस रैबिट ने कवर कर लिया. अब जो रिमेनिंग है ना वो जंप करके जा रहा है. कितनी जंप कर रहा है? एक्स जंप्स कर रहा है, ठीक है. और हर एक जंप में वो 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है. बात समझ आई? यहां रुपीज की बजाय जंप दे रखा है, ठीक है. पहला 10 किलोमीटर उसने स्लो स्लो कवर किया, कैसे चल के गया ये नहीं बताया. तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस 10 मीटर डिस्टेंस कवर हो गया. जो रिमेनिंग है वो जंप्स कर रहा है, एक्स जंप्स कर रहा है, और हर एक जंप में वो 2 मीटर डिस्टेंस कवर करता है.
y टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 मीटर प्लस 2 इंटू एक्स 2x, ये इक्वेशन है, क्लियर है? कुछ नहीं, बस जनरल इक्वेशन है, क्या बनेगी 2x, ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? टोटल डिस्टेंस, जैसे सपोज करो रैबिट नहीं है, हम ही है कहीं जा रहे हैं, पहला धीरे धीरे चल के 10 मीटर की स्पीड, 10 मीटर डिस्टेंस कवर करके आप घर जा रहे हो, सपोज करो आपका घर का जो डिस्टेंस है वो y है, y में से 10 मीटर आपने कवर कर लिया, जो रिमेनिंग बचा ना वो आप भाग के गए हो, आप रनिंग करके गए हो, और जब आप रन कर रहे हो ना तो जितना आपने फुट स्टेप लिया उसमें 2 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है, आप x जंप्स करके गए हो या रन करके गए हो, तो इसको से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, क्लियर है ये? लिखो एज ऑफ x, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एज ऑफ x इज मोर देन एज ऑफ y बाय 10 इयर्स, एज ऑफ x इज मोर देन एज ऑफ y बाय 10 इयर्स, एक्सप्रेस दिस इन लीनियर इक्वेशन, एक्स जो पर्सन है उसकी एज वाई वाले से 10 ईयर ज्यादा है, मतलब एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ये बड़े वाले पर्सन की एज, ये छोटे वाले की, दोनों का डिफरेंस है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लो एक्स माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू वाई, हाँ एक ही बात है, एक ही है, एक ही है, राइट डाउन, राइट अ लीनियर इक्वेशन, जल्दी लिखो, राइट अ लीनियर इक्वेशन सच दैट पॉइंट ऑन ग्राफ हैज ऑर्डिनेट 3 टाइम्स एब्सिसा, राइट द लीनियर इक्वेशन सच दैट ईच पॉइंट ऑन द ग्राफ हैज ऑर्डिनेट 3 टाइम्स एब्सिसा, अरे एक्स वाई में बनाओ, इक्वेशन बनानी है, लीनियर इक्वेशन बनानी है, कहता है जो ऑर्डिनेट है ना, ऑर्डिनेट का मतलब वाई, ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है वाई, 3 टाइम्स है किसका, एब्सिसा का, तो वाई इज इक्वल टू 3x, इक्वेशन क्या बन गई 3x इक्वल टू वाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लो, ऑर्डिनेट को y ले लो, एब्सिसा को x ले लो, ऑर्डिनेट जो है, ऑर्डिनेट इज 3 टाइम्स एब्सिसा, 3x माइनस y प्लस 0 इक्वल टू 0, ठीक है, एक मतलब x को अगर 1 पुट करते हो तो y की वैल्यू 3 आ रही है, x को 2 पुट करते हो तो y 6 आ रहा है, x को 3 पुट करते हो तो y 9 आ रहा है, ठीक है, मतलब ट्रिपल होता जा रहा है, अगर कोई कहे आपके सॉल्यूशन लिखो इसके तो राइट 3 सॉल्यूशन, x की वैल्यू 1 पुट करोगे 3 1 जा 3 y 3, x को 2 पुट करोगे 3 2 जा 6, 3 पुट करोगे तो ये आगे सॉल्यूशंस, जितने मर्जी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, किसके, इन 2 वेरिएबल के, और 1 वेरिएबल का 1 होता है, 1 होता है, जैसे मैं कहूं x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू है ही एक, लेकिन इसके भी बहुत सारे बन, 1 वेरिएबल की बात करें तो x की सिंगल वैल्यू है 5, तो सिंगल सॉल्यूशन आता है, याद रखना 1 वेरिएबल का 1 सॉल्यूशन, 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन, आप इक्वेशन में कैसे बनाओगे, इक्वेशन ही तो है x माइनस 5 इक्वल टू 0, जब आप इसको इक्वल टू 0 करते थे पॉलिनोमियल में करके नहीं आए, कि जब किसी के 0 निकालनी है उसको इक्वल टू 0 करते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5, इसका मतलब एक ही तो सॉल्यूशन है, 1 वेरिएबल में 1 सॉल्यूशन, 2 वेरिएबल में इनफाइनाइट सॉल्यूशन,